हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजमा और चावल की रेसिपी। साथ में हम बनाएंगे ढाबे में जो मिलते हैं ना लाल वाले प्याज, वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया है 1 बड़ा चम्मच, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज कद्दूकस करके। इसको हम तेज आंच पे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि प्याज का जो भूनने का प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून गया है, कलर में चेंज आ गया है। देखिए देखिए, मसाला जितना अच्छे तरह से भूनेंगे उतनी ही सब्जी का स्वाद बढ़ेगा। बस अच्छी तरह से मसाला भूनिए, आराम से धीरे धीरे प्यार से खाना बनाइए, दिल से, तो खाना अपने आप ही स्वाद बनेगा। ये देखिए हमारे ब्राउन हो गए हैं प्याज, 1-2 मिनट और इसको भून लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हमारे प्याज हो गए हैं। अब इसके अंदर हम, ये भी मैंने ग्रेट किया हुआ है, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। छोलों में, राजमा में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा जाता है। बाकी आप मसालों को कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं, प्याज नहीं खाते हैं तो आप इस ग्रेवी के अंदर टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को ग्राइंड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। बाकी मसाले आप वही डालिए जो हैं अपने बेसिक। ये देखिए थोड़ा सा हमने भून लिया लहसुन अदरक को, हमें इसमें प्याज टमाटर डाल दें इसमें। ये भी ग्रेट किया हुआ है, ये खट्टे वाले टमाटर हैं, इसलिए 2 बड़े टमाटर लिए। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ, उससे क्या टमाटर हमारे जल्दी भून जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा ढक के भून लेंगे इसको ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। देखिए देख लेते हैं इसको, मसाला देखिए धीरे धीरे अब ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम अपने थोड़े सूखे मसाले डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि मैं किसी भी तरह का इसके अंदर खड़े मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको सिम करके 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए जी, मसाला हमारा भून रहा है बढ़िया सा, खुशबू आ रही है बहुत ही बढ़िया अच्छी सी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए जी, मसाला हमारा बढ़िया सा भून गया है। और इसके अंदर ये जो हमने राजमा उबाल के रखे हुए हैं ये डाल देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी शक्ल हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन के अंदर। नमक मिर्च देख लेंगे इस वक्त, इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए, और ये जो ग्रेवी अलग हो रही है, राजमा अलग हो रहे हैं थोड़े, 5-7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे उबलने देंगे। तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल एकसार हो जाएगा ग्रेवी और राजमा, और बहुत ही बढ़िया से बन जाएंगे। तो चलिए फिर इसको ढक के रख देते हैं। चावल बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 1 चम्मच तेल डाला है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे छोटा कटा हुआ, लंबा कटा हुआ प्याज।
तो अभी ये देखिए प्याज हमारा भून गया है, लाल हो गया है। इससे क्या हमारे चावल थोड़े से अच्छे ब्राउन ब्राउन से बनेंगे। अब इसमें हम ये एक कटोरी चावल हैं इसके अंदर दो कटोरी पानी डालकर मैंने धोकर अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया था। अब इसको हम बनने देंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसको ढक देंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर फिर हम इसको ढक देंगे। झटपट से देखिए जी हमारा लंच तैयार हो गया है आपसे बातें करते करते। ये देखिए जी उबाला आ गया है हमारे चावलों को और इसको हम एक अच्छा सा मिक्स देके छोड़ देते हैं ढक के। अब हम इसको 5-7 मिनट बाद चेक करेंगे। गैस को धीमे कर दिया है। चलिए जी जब तक हमारे चावल बनते हैं तब तक हम बिल्कुल ढाबे स्टाइल के एक बढ़िया से प्याज बना लेते हैं साथ में खाने के लिए। सिरके वाले प्याज बनाने के लिए हम इसके छोटे छोटे साइज के प्याज लेंगे और उनको बीच में से कट लगा देंगे। छोटे प्याज है एक कट लगा दीजिए, थोड़ा सा बड़ा है तो 2 कट लगा दीजिए। इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा कप डालेंगे, मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। आप सादा सिरका जो मिलता है और या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम ये डालेंगे कुछ मसाले जिसके अंदर है आधा चम्मच चीनी और 1/4 एक चुटकी के करीब 1-2 चुटकी काला नमक, 1/4 स्पून नमक और इसमें आधा चम्मच मिर्ची है। मिर्ची देख के घबराइएगा नहीं, ये फीकी वाली मिर्ची है, हम रंग नहीं डाल रहे हैं कोई। और अगर आपके पास चुकंदर है तो इसमें 1-2 टुकड़े चुकंदर के डाल सकते हैं, उससे बढ़िया सा रंग आ जाएगा। इसको पानी में घोल लेंगे। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खटास होती है सिरके की वो थोड़ी बैलेंस हो जाती है। और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको आराम से इसके अंदर भीगने देंगे ताकि इसका सारा जो इसका सिरके का और इसका मसाले का स्वाद है इसके अंदर आ जाए। और इसको हम साइड में कर देते हैं। हम अपने राजमा चेक कर लेते हैं। देखिए बढ़िया से हमारे राजमा उबल गए हैं, ऊपर तेल निकल आया है आप देखिए। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे धनिया और हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाला जो ऊपर से अच्छी सी खुशबू देगा। एक इसको ढककर गैस बंद कर देते हैं। राजमा हमारे तैयार हो गए, हमारे चावल भी देख लेते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं, ये एकदम धीमी आँच कर लेंगे, उस पर 5 मिनट और रहने देंगे। ये देखिए जी बढ़िया सी हमारे राजमा चावल बनके तैयार हो गए हैं साथ में सिरके वाले प्याज। और बहुत ही बढ़िया सी हमारी संडे की थाली तैयार हो गई है और साथ में अगर आपको पसंद है तो एक चपाती। इंजॉय कीजिए आप भी इस तरह से बना के। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, खुश रहिए।